तो दिखाइए ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फिर से गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। तो आज हम सभी का 12th डे और हम लोग शायद लास्ट टाइम में थे और इसके बाद का अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। उन तक पढ़े हुए थे। देख पा रहे हो स्क्रीन पर? यस सर। तो सेल के बारे में ये तो देख चुके थे आप लोग। यस इसके बारे में बता दिया था। ये भी हमारा हो गया था लेकिन इसमें हमारा शायद टाइम ओवर हो गया था। तो आज हम लोग फाइनली सूट से प्रयोग करेंगे। देखो सूट के हिंदी क्या होता है? चाहिए। सूट एक्चुअली जो है वो आपका पास्ट फॉर्म है सेल का। किसका? सेल का। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सूड है वो अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस करता है। अब ये कौन कौन सा चीजों को एक्सप्रेस करता है इसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा है टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। तो मॉरल ड्यूटी जिसे हम लोग कहते हैं नैतिक कर्तव्य, ऑब्लिगेशन जिसे हम लोग मजबूरी कहते हैं, नेसेसिटी जिसे हम लोग जरूरत कहते हैं। तो जो ये सारे हैं वे उसके लिए हम लोग किसे प्रयोग करते हैं? सूट का। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि नैतिक कर्तव्य के लिए, मजबूरी के लिए या नेसेसिटी के लिए और भी हमारे मॉडल का प्रयोग होते हैं। लेकिन यहां पर भी होता है। लेकिन मैं आपको जब ये हमारा मॉडल समाप्त होगा तो फाइनली एक आपको समरी में बताऊंगा कि हम लोग जब रिटन राइटिंग स्किल पे बात करेंगे, जब आपको लिखना हो तो वहां पे मॉरल ड्यूटी में हमारे लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन है, ऑब्लिगेशन मजबूरी में हमारा कौन सा है, जब जरूरत है तो वहां पे कौन है। लेकिन वन बाय वन लोग पढ़ रहे हैं तो वहां तो लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन समराइज फॉर्म बताऊंगा वहां पे आपको राइटिंग स्किल के आधार पर बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा अभी है यू शुड डू दिस वर्क। यू शुड डू दिस वर्क। डू दिस वर्क मतलब यह काम आपको क्या करना चाहिए? करना चाहिए। ये दिस वर्क, यह काम आपको क्या करना चाहिए? करना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए, आपको सोना चाहिए। इट मींस आपके लिए थोड़ा क्या जरूरी है और जरूरी के लिए हम लोग क्या किसे प्रयोग करते हैं? सूट का प्रयोग करते हैं। वी शुड नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। हम लोग पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते हैं, ये करना हमारे लिए कानूनन अपराध भी है। इसलिए आप क्या कहा जा रहा है? You should not smoke in public place. आपको public place पे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसके मतलब ये नहीं करना चाहिए और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है और ये हमारे environment के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये हमारे क्या है? ड्यूटी बनता है। हमारा क्या बन जाता है? ड्यूटी। यह हमारा कर्तव्य है कि हम पब्लिक प्लेस पर कभी भी स्मोकिंग नहीं करें। इसके बाद है वी शुड नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल। सॉरी, वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल। हम लोगों को ट्रैफिक का नियम को पालन करना चाहिए। अब देखो होता क्या है, अगर इस प्रकार से रोड है और यहाँ पे आपका ट्रैफिक लाइट है और इस प्रकार एक रोड इधर है और एक इधर, और किसी प्रकार से देखते हो कि यहाँ पे पुलिस अगर खड़ा है तो लोग अगर यहाँ संकीर्ण गली पता चलेगा इधर से निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे, लेकिन यहां से नहीं जाएंगे क्योंकि इनको पता है कि मुझे मेरे पास कुछ ना कुछ कमी है क्योंकि ट्रैफिक रूल को तोड़ चुके हैं। ना हेलमेट पहनेंगे ना कुछ, बहुत सारे ना पेपर है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं और हमारा देश का विकास यहीं से है।
अब देखो हम लोग तो पढ़ते हैं कि ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, हमेशा बाई और चलना चाहिए, तो ट्रैफिक रूल का पालन तो हम लोग ही नहीं करते और उम्मीद करते हैं देश हमारा अच्छा हो जाए, तो देश कहाँ से अच्छा होगा जब हम लोग पढ़े ही नहीं, हम लोग करते ही नहीं है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। अब जिस देश में रह रही हो, जिस देश में आप अपना सारा एक्टिविटी कर रहे हो, उस देश का यानी नेशनल फ्लैग का, अपने राष्ट्रीय झंडा को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने ही कंट्री का, अगर अन्य भी कंट्री का, दूसरे भी कंट्री है तो उसके भी क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए आपका है स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट वाला रूल को फॉलो करना चाहिए, अपने नेशनल फ्लैग को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सारे हमारा है वो मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, इन सभी के अंदर गत आता है। तो इसमें से किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। ठीक है, अब आगे। अब देखो यहाँ पर टू एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन, निर्देश, सजेशन, सुझाव, एडवाइस, सलाह, ओपिनियन, विचार। अच्छा, विचार गलत हो गया इधर। तो अब देखो यहाँ पर ये सारे आपके अलग अलग वर्ड हैं, और इनमें थोड़ा समझने का प्रयास करना कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश के लिए हो, सुझाव के लिए हो, सलाह के लिए हो, विचार के लिए हो, इन सभी में हम लोग को शुड का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसा सब में हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बोलूं, यू शुड नॉट लाफ एट दिस मिस्टेक। अब किसी के मजाक पर हंसना कभी, या गलती पर किसी, क्या हम लोगों को कभी किसी की गलती पर हंसना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं। और अक्सर देखते हो वो गलती कर गया, या क्लासरूम में देखो, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को डांट दिया तो सब हंसने लगते हैं। देखो ये भी हंस रही है दांत निकाल के। तो ये क्या है, किसी पे हंसना नहीं चाहिए। उसके बाद अच्छा एक चीज और आपको मैं बताऊं, यहाँ पे दो वर्ड है हमारा, एक सुझाव और एक सलाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन दोनों का हम लोग इंपॉर्टेंस थोड़ा समझ जाते हैं कि इन दोनों में अंतर हमारा क्या है। कोई जानते हो तो कोई बता सकते हो क्या, सजेशन और एडवाइस, किसी को पढ़ाया भी हूं, जिनको पढ़ाए अगर कुछ याद हो तो बता सकते, नहीं तो फिर तो लास्ट में बताऊंगा मैं भी। एक प्रोफेशन के तौर पर दिया जाता है, एक फैमिली मेंबर के द्वारा ही दिया जाता है। हाँ, जो एडवाइस है वो हमारा आपका प्रोफेशनली जो प्रयोग करते हैं, आपको मान के आप डॉक्टर के पास गए आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए, वो आपको सलाह दिए। जब वो सलाह देंगे मतलब जो आप बात कहेंगे आपको, तो वो आपके एडवाइस के अंतर्गत आता है। मानकर चलो कि कोई भी आपके पार्लियामेंट में या कोर्ट के द्वारा कोई एडवाइस, एडवाइजरी जारी किया जाता है, आप किसी, मान के चलो आप पढ़ रहे हो तो टीचर ने जो आपको दिया वो क्या दिया, एडवाइस दिया। लेकिन वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार पढ़ो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो पता है कि समाज में हर तरह के काम अवेलेबल है, उसमें से कहाँ पे रुकोगे वो आपको पता है नहीं पढ़ने पर। तो अब देखो यहाँ पर कि आपको मैं बोलता हूँ बार बार काम करो, तो जो जितने भी प्रोफेशन वाले हैं उसके अंदर अंतर्गत आ जाएंगे, और भी जितने भी हैं। और एक सजेशन जो आपका है वो आपका रिलेटिव वाले हो गए, फैमिली वाले हो गए। जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के, आप नहीं पढ़ते, मैं एक टीचर के तौर पे बोल रहा हूँ आपको, मैं एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन आपके घर वाले ही अगर बोलते हैं तो आपको सुझाव दे। हो सकता है कि आपके फादर टीचर हैं और फादर भी हैं, दोनों हैं। जब दोनों हैं, फादर टीचर भी हैं और फादर, जब ये दोनों चीज हैं, जब ये दोनों हैं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आप क्या किसे, किस बात को ज्यादा एप्रोप्रिएट मानोगे, सुझाव वाले या सलाह वाले? जब आपके फादर टीचर हैं, जब वो आपको सलाह दे रहे हैं घर पर, तो वो किस स्तर पे बात करोगे, वो उनके लिए एडवाइस होगा या सजेशन होगा? या समझो कि आपके फादर
डॉक्टर हैं और आपको मेडिसिन लेने का सजा सॉरी दे रहे हैं आपको कि ये दवा ले लो या सुझाव दे रहे हैं या फिर वो सलाह, तो आप क्या कहो उसे, सजेशन या एडवाइस? सजेशन 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 क्यों सजेशन कहोगे? जो फादर है तो टीचर नहीं है या फादर है तो डॉक्टर नहीं है सर? क्योंकि वो मतलब घर में ना दे रहे इसलिए। अच्छा मतलब कि वो बाहर में देंगे तो क्या हो जाएगा एडवाइस? नहीं मतलब वो अपने हॉस्पिटल में ही करेंगे तब ना हम बोलेंगे कि एडवाइस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि वे अपने चैम्बर में या हॉस्पिटल में या जहाँ पे उनका है, अगर वहां पर एक आम आदमी की जैसे मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, अगर मेरे फादर टीचर हैं, डॉक्टर हैं या जिस भी प्रोफेशन में हैं, और वे एक मुझे आम आदमी के जैसे वहां ट्रीट कर रहे हैं, तो उस केस में हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवाइस का। लेकिन घर पर मुझे एक आम आदमी नहीं, एक अपना बेटा के जैसे मुझे सुझाव दे रहे हैं, तो वो आप में आपके क्या हो जाएगा? सजेशन होगा, उस समय वो सलाह नहीं होगा। बाकी निर्देश देना तो जानते हो कि रिटेल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और ये आपसे एक प्रकार का आदेश ही होता है। विचार अपने जो दिल की बात है तो उसके लिए आप ओपिनियन का प्रयोग करते हो, विचार की बात करते हो। सर हाँ, यहाँ पे आप बता रहे थे सर सजेशन एंड एडवाइस। हाँ अभी आप अभी बोल रहे थे ना, अगर घर में आके करे तो मतलब सजेशन बोलेंगे तो डॉक्टर लोग घर में भी आते हैं, क्या उनकी बातों पे एडवाइस नहीं मानना चाहिए? नहीं ये एडवाइस इसलिए ना, देखो वो एक प्रोफेशनल तौर पे तो मतलब कि जो उनका दिमाग है वो तो प्रोफेशनली वाला ही है, लेकिन हमारे साथ जो उनका रिलेशन जो बन रहा है ना वो रिलेटिव वाला बन रहा है, रिलेशन वाला बन रहा है, इसलिए वो हमारे बात जो बात है वो हमारे सजेस्ट के अंदर आ जाएगा। रिलेटिव वाली बात, ठीक है ठीक है। हम मैं जान रहा हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ पे सही हो, लेकिन वो घर पे जो मुझे ट्रीट कर रहे हैं आज ये प्रोफेशनल नहीं कर रहे हैं, आज ये वो अपने एक फादर और सन के रिलेशन के जैसे मेरे साथ वो रिलेशन को निभा रहे हैं, इसलिए वहां पे सजेशन हो जाएगा। इसके बाद यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो ये आपके लिए क्या हो गया? सजेशन हो गया। तो अब यहाँ पे देखो जो पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है कि सजेशन है, लेकिन ये एडवाइस भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक मॉडल एक ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को आपने आपको एक्सप्रेस करेगा, एक से अधिक चीज को एक्सप्रेस कर सकता है। स्टूडेंट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, विद्यार्थियों को सभी आंसर को सॉरी सभी क्वेश्चन को आंसर देना चाहिए। अब देना चाहिए तो आपके लिए क्या है वह निर्देश है, जैसे आप भी कभी एग्जाम देते हो तो उस समय में ऊपर में क्या रहता है लिखा रहता है कि वहां तो स्टूडेंट्स नहीं रहता है, कैंडिडेट्स लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन इन और वन वर्ड्स, अपने शब्दों में देना है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह में उठना चाहिए, तो ये एडवाइस है। आप डॉक्टर के पास गए और आपके कुछ ऐसा आंख का प्रॉब्लम है और कह रहा है कि मॉर्निंग उठो, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करो, घास में जो सीट वगैरह पड़ता है उसमें थोड़ा सा जाओ ताकि आपका थोड़ा सा कुछ रिलैक्स फील होगा, तो इसके क्या है वो सलाह दिया जा रहा है। यू शुड नॉट वॉक बेयरफुट, आपको खाली पैर नहीं घूमना चाहिए, तो आपके लिए क्या है सजेशन है। यू शुड नॉट कंसल्ट सॉरी यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन, आपको क्या करना चाहिए, जो फिजिशियन है यानी कि डॉक्टर है उनसे आपको सलाह करना चाहिए, जैसे ये फिजिशियन यहाँ बैठे हुए हैं तो इनसे क्या लेना चाहिए, आपको सलाह लेना चाहिए, या फिर आपका जो विचार है आपको मैं कह रहा हूं तो ये अपने विचार पे काम करोगे, इसलिए ओपिनियन के यहाँ पे प्रयोग कर दिया, ये गेट अप अर्ली, तो इस प्रकार से आपके ये अलग अलग के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहां तक में किसी को दिक्कत? नो सर। अब आगे हमारा है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के लिए हम लोग क्या करते हैं काम करते हैं। लॉजिक रिफरेंस, लॉजिक मतलब तर्क पे आधारित हम लोग बात करते हैं। एजम्पशन, एजम्पशन के मतलब हमारे समाज में कुछ मान्यताएं हैं, भले वो एक्चुअल में हो या ना, या फिर धारणाएं जिसे कहते हैं, भले वो हो या ना हो, ये मूर्धना वाला ना है, तो ये आपका ये हो गया। तो अब यहां पर देखो कि यू शुड बी एट होम नाउ, जैसे कोई आदमी है जो
क्या होता है कि 5 बजते शाम को वो घर पे रहता है और कभी कभार देखो कि वो 7 बजे कहीं घूम रहा है, तो उसका दोस्त क्या कहेगा, यू शुड बी एट होम नाउ, अभी आपको कहाँ पे होना चाहिए, घर पे होना चाहिए, तो क्या संभावना जता रहा है, जैसे कि आपका आदत है कि 10 बजे घर आने का रहा, तो लोग घर पे आ सकते, घर वाले क्या बोलेंगे कि इसमें तो बाहर होना चाहिए, आज जल्दी आ गए, क्या कारण है, तो यू तो ये आप लोग कर सकते हैं इसका प्रयोग। इसके बाद यू शुड बाय दिस, आप इसको खरीद सकते हो, मान के चलो कि आप अपने दोस्त के बोलते हो कि चलो मुझे शर्ट लेना है और चलो दुकान लेके जाते हो, वो आपको सप्लाई क्या करता है, बताता है कि ये वाला खरीद दो, मतलब कि वो अपना ओपिनियन दे रहा है, अपना विचार दे रहा है, और आपको पसंद आता है तो खरीदते हो, नहीं पसंद नहीं खरीदते। इसके बाद है इफ इट शुड रेन वी विल नॉट गो आउट, आदि वर्षा होगा तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो सूट के मतलब यहाँ चाहिए नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये आपका फ्यूचर को एक्सप्रेस करेगा, भले सूट है तो यहाँ पे जो हिंदी है ये चाहिए नहीं होगा, यदि वर्षा होगा तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो ये हमारा मान्यता है, मतलब कि मैं धारणाएं मानता हूँ कि नहीं जाना चाहिए बाहर, क्योंकि फिर जाओगे तबियत खराब हो जाएगा, इसलिए बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए क्योंकि पानी पड़ रहा है। टू एक्सप्रेस वार्निंग एंड थ्री, वार्निंग के लिए जिसे कहते हैं चेतावनी, तो चेतावनी के लिए इसका प्रयोग करते हैं, फिर हम लोग धमकी के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो मदर है वो क्या कर रही है, अपने चाइल्ड को यानी बच्चे को डांट रही है, क्या बोल रही है, इफ यू बोल इट यू शुड पनिश। तो अब बताइए सेंटेंस हमारा सही है या गलत है, तो मुझे बताओ क्या, ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है सर, सूट की बात भरवन होगा। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो हमारा सूट हमारा क्या है, मॉडल है, और मॉडल के हम लोग क्या पढ़े, भीवन, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ पनिश। तो ये भी बोले यू शुड पनिश, अगर हम लोग पनिश रखना भी चाहेंगे तो यहाँ पे मुझे देखो दो चीज यहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं, मैं सीधे बता देता हूँ, ऑरली यू शुड बी पनिश, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल उस समय बताया था हमें कि इस मॉडल के बाद अगर बी आ गया तो भी थ्री का प्रयोग कर सकते हैं, तुम्हारा भी थ्री है तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग ला सकते हैं। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं सर, आगे हमारा है प्रयोग विल का। अब देखो विल का प्रयोग आपने ना जाने टेंस में कितना बार पढ़े होंगे, लेकिन टेंस अभी भी अधूरा है। अब यहाँ पर देखो टेंस में आप लोग जो पढ़े होंगे इसके मतलब गा ये, अब यहाँ पर देखते हैं कि विल, अच्छा विल के मतलब भी दो होता है, एक होता है इच्छा भी, विल के मतलब एक तो हो गया फिर गा गेगी वाला, ये आपका हेल्पिंग ऑफ जैसे जो काम करता है, और एक आपका मेन प्रॉब्लम बिका जो आप कहते इच्छा वाला। तो अब यहां पर देखो यहाँ पे फर्स्ट में है कि विल इज यूज एज एक्सिलरी वर्ब, विल का प्रयोग हम लोग करते हैं एक्सिलरी वर्ब के जैसा प्रयोग करते हैं, जैसे दे विल फिनिश दिस वर्क, दे विल फिनिश दिस वर्क, वे सभी इस काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चलो तो कल आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा नेक्स्ट डे के लिए, कंप्लीट और फिनिश में अंतर, डिफरेंट हैंड करके आना है, कंप्लीट के मतलब और फिनिश के दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, आप गूगल से या फिर जहां जहां से आपको सोर्सेस हैं वहां से आप सर्च करके आ सकते हो। इसके बाद है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के मतलब संकल्प को दर्शाने के लिए लोग ये प्रयोग करते हैं, प्रोमिस वादा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, फिर धमकी के लिए प्रयोग करते हैं, इंटेंशन इरादा के लिए प्रयोग करते हैं, विलिंगनेस इच्छा के लिए प्रयोग करते हैं जो भी बताया था। तो देखो हमारा जो यहाँ पे है संकल्प के लिए, वादा के लिए, धमकी के लिए, इरादा, तो ये सारे हम लोग अलग अलग चीज के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सेंटेंस हम समझने का प्रयास करेंगे, आई विल नॉट सरेंडर, आई विल नॉट सरेंडर, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा,
अब सरेंडर करने के बाद यहाँ क्या है, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मान लो आप क्राइम कर रहे हो और पुलिस आपके 5 लाख का इनाम रखा है, तो आपको क्या बोलेगा कि सरेंडर कर लो। आप क्या क्या बोलोगे, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे उसके लिए प्रयोग किया। इसके बाद है वी विल स्ट्रगल टू द लास्ट, मतलब आप एक संकल्प आप ठान लिए हो कि मुझे इस बार क्या करना है कि SSC का जॉब निकाल लेना है, एयरफोर्स का जॉब निकाल लेना है, और इस बार ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा टू द लास्ट, अंतिम क्षण तक मेरा रहेगा। तो ये अपने आप में क्या करते हो, ठान लेते हो, डिटरमाइन कर लेते हो, ठान लेते हो। आई विल लैंड यू माई कार फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पे लेन करने मतलब क्या, मैं प्रोमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, प्रोमिस करना मतलब वादा करना, मैं वादा करता हूँ कि अपना कार में आपको 1 महीने के लिए क्या दूंगा, उधार दूंगा। क्या दूंगा, उधार दूंगा। तो 1 महीने के लिए उधार देने की बात कहा जा रहा है, इसके लिए वादा ही किया जा रहा है। इसके बाद आई विल पनिश एनी वन हु क्रिएट प्रॉब्लम, आई विल पनिश एनी वन, मैं किसी को भी क्या कर सकता हूँ, दंडित कर सकता हूँ। क्रिएट प्रॉब्लम जो क्या करेगा, समस्या को, हु के मतलब यहाँ पे कौन नहीं है, हु के मतलब यहाँ जो है, जो एक कंजक्शन के जैसा प्रयोग हो रहा है, जो हु का यहाँ प्रयोग है वो एज ए कंजक्शन, जो हु है यहाँ पे वो एक कंजक्शन के जैसा काम कर रहा है, या फिर इसी को हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर मतलब कि आई विल पनिश एनी वन, मैं किसी को भी क्या कर सकता हूँ, पनिश कर सकता हूँ, और किसी को करूंगा हु क्रिएट प्रॉब्लम। तो ये मेरा क्या धमकी है, जैसे मैं बोलूं कि मैं किसी को भी डांट सकता हूं जो प्रॉब्लम बना के नहीं आएगा, मैं किसी को भी पीटूंगा जो अच्छा नंबर नहीं लगेगा एग्जाम में, ये सारे क्या हो गया आपका, मेरा थ्रीट है धमकी। ऑल राइट आई विल गम विथ यू, तो इच्छा जता रहे हो कि ठीक है, ऑल राइट सब ठीक है, इसे कहते हैं ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो उसके लिए क्या करते हैं ऑल राइट का प्रयोग करते हैं। ऑल राइट आई विल कम विथ यू, मैं आपके साथ आऊंगा। तो इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो इच्छा जाहिर करने हम लोग विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं, आने की विल का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वी कंग्रेचुलेट हिम, सॉरी यहां पे विल छूट गया है, विल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वी विल कंग्रेचुलेट। सो अब देखो वी विल कंग्रेचुलेट हिम, तो हम लोग ये इरादा है, हम लोग उन्हें क्या करेंगे, आप मान के चलो कि देखो कि जितने भी ओलंपिक में टोक्यो से आए जापान से अपने भारत, तो एक कंग्रेचुलेट करने का, उनके बधाई देने के लिए उनके घर लोग पहुंच गए, कोई तो सभी लोग अलग अलग जगह पे जहां पे जिनसे जैसा भी हो सका संभव वैसे लोग पहुंच गए। तो यहाँ पर कोई एयरपोर्ट भी पहुंच गए, कोई स्टेशन पहुंच गया, उनके घर पहुंच गए, तो अलग अलग जगह पे कंग्रेचुलेट करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच गए। तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे मतलब उनके इरादा के लिए बात कर सकते, इच्छा के लिए बात करें, धमकी के लिए और वादा के लिए, संकल्प के लिए, इरादा, तो ये सारे आपके अलग अलग वर्ण हैं जिनके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं विल एज अ मॉडल। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद हमारा है आगे वुड का प्रयोग, और वुड का प्रयोग हमारा है, तो वुड क्या है, विल का पास्ट होगा। अगर विल जो हमारा है, विल का पास्ट हो, हमारा क्या होता है, वुड होता है। अब अगर बात करें आई वुड गो टू अ स्कूल बाय बस, अब देखो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय रेल, बाय ट्रक, जितने भी कोई भी वाहन के लिए हम लोग बाय बस का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन हम लोग जब पैदल जाते हैं तो बाय फुट नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा ऑन फुट प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग समझते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, पुरानी बातों को दोहराने के लिए, पुरानी आदतों के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मतलब कि हम लोग अपने स्कूल जब जाया करते थे उसमें कैसे जाते थे, बस से जाते थे, तो उसके लिए आप लोग वुड का प्रयोग कर सकते हो, या पुरानी बातों को दोहराने के लिए जनरली हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोलाइटली, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम पोलाइटली, तो एक्सट्रीम पोलाइटनेस के लिए अगर मैं बताऊं तो आपने देखा था कि कूड का भी प्रयोग करते हैं एक्सट्रीम पोलाइटनेस को, इसके बाद देखे आप लोग कि माइट का भी प्रयोग करते हैं, और अभी देख रहे हैं हम लोग वुड का भी प्रयोग करते हैं।
अब बताओ सही मायने में हम ग्रामेटिकली या फिर हम राइटिंग सेक्शन में किसका प्रयोग करेंगे? वैसे तो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें तो सभी का प्रयोग है, लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे बेहतर कुड के मतलब ही मैट के मतलब उड के भी मतलब पुलटनेस दर्शाता है, लेकिन पुलटनेस जो यहाँ पे है वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल का है, मतलब सबसे बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि इन सभी में से सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट डिसिप्लिन जो दिखाता है वो आपको उड में दिखाता है। जो आपका रिस्पेक्ट ज्यादा नजर आता है लोगों का उनको आपको किसमें आता है? उड में। डिसिप्लिन है जो आपको वो आपके कहाँ पे नजर आता है? उड में। इसलिए हम लोग यहाँ पे उड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एंड एक्सट्रीम पोलाइटनेस मीन बियॉन्ड ऑफ लिमिटेशन, मतलब उम्मीदों से परे, मतलब आप समझो कि आपसे कोई उम्मीद नहीं किया है और उस उम्मीद से भी ज्यादा का होता है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उड का। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे ये रिस्पेक्ट के लिए डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उड यू गिव मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हो? और आप ये कुछ रुपए बात ये ही दे सकते हो फॉर्मली, वैसे बोले कि चलो ठीक है मां मत मजाक मजाक में देगा तो ठीक हो, सर देने वाला है नहीं क्योंकि कंजूस वर्ग का है, लेकिन वो मान के चलो कि आपकी उम्मीद से ज्यादा, उम्मीदों से ज्यादा मतलब एक्सट्रीम पोलाइटनेस के। या फिर आप समझो कि आपको घर में पैसा मांगना है और पैसा जरूरत से ज्यादा मांगना है, तो वहां पर आप जो पेश आओगे कैसा आओगे? एक्सट्रीम पोलाइटनेस पेश आओगे, उस केस में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे उसके बाद वुड आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? आपका तबीयत थोड़ा खराब है, ठीक लग नहीं रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? तो इन सभी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, एक है यहाँ में जो पढ़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ रहे क्योंकि जवाब नहीं दे रहे यार। यार मैं आप लोग से क्या उम्मीद करूंगा? मैं सिर्फ यस नो इतना ही ना उम्मीद करता हूँ, अब इतना भी सर, कुछ नहीं बोलोगे तो क्या समझोगे? चलो आगे। टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस ऑफ च्वाइस, यहाँ पे च्वाइस की बात किया जा रहा है, उसमें जनरली यूज रेदर इन सच सेंटेंस, और कुछ सेंटेंस में रेदर का भी प्रयोग करते हैं। और व्हेन बोथ चॉइस आर मेंशन देन यूज देन आल्सो, अगर दोनों है तो उस केस में हम लोग किससे प्रयोग करेंगे? आपका देन का। तो अब देखते हैं सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ने बोला है ही शुड रेदर दैट देन, इसका हिंदी समझने का प्रयास करना। ये बहुत ही यहां पे देखो दो चॉइस है, एक चॉइस है भीख मांगना दूसरा है मर जाना। अब देखो एक साइड है भीख मांगना एक साइड है मर जाना। ही वुड रेदर डाई देन वे, मतलब वो क्या कहता है कि भीख मांगने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अब भीख मांगने से बेहतर है मर जाऊं, तो वो अपने आप में कंपेयर कर रहा है कि मैं भीख तो नहीं मांग सकता, मरना पसंद है लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है वो किनके लिए प्रयोग किया गया है? कंपेयर किया जा रहा है दो के बीच में, डाय और बेग, मतलब कि भीख मांगने से बेहतर है कि मर जाऊं। आई वुड रेदर टेक टी, देखो अब यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ एक ही चॉइस है, क्या है? तो जब एक ही चॉइस है तो सीधा किसका प्रयोग कर दोगे? रेदर का। अब नेक्स्ट हमारा एक और रूल है जो फोर्थ नंबर में इसे हाईलाइट में नहीं कर पाया, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट और पास्ट इमेजिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे थोड़ा समझने का प्रयास करना। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये आपका देखो दो पार्ट में सेंटेंस है, तो इसका है अदि में पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। अब यहां बात क्या कहा जा रहा है कि अदि में पक्षी होता है, होता था, होता होगा, ये सारे कुछ नहीं है, सिर्फ बोल रहा होता अदि में, सॉरी अदि में पक्षी होता,
मतलब वर्ड है नहीं, वो इमेजिन कर रहा है, मतलब ये क्या बात कर रहा है, इमेजिन का, या फिर अनफुलफिल डिजायर। जब अनफुलफिल डिजायर की बात करते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा, उसके लिए हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं, इमेजिनेशन सेंटेंस कहते हैं। और ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। कौन सा इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो देख पा रहे हो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। अब देखो जब पहली बार पढ़ रहे हो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ये क्यों ऐसा है, प्रेजेंट वाला पास्ट वाला क्यों नहीं है। तो मैं आपसे बोलूं, दो सेंटेंस बोलता हूं हिंदी में, मैं बोलूं कि यदि मैं पक्षी रहा होता, यदि मैं पक्षी रहा होता आकाश में उड़ा हुआ होता या उड़ रहा होता, मतलब कि उड़ रहा होता मैं या उड़ा हुआ होता, तो क्या कहते हो कि मैं पक्षी होता तभी तो उड़ा हुआ होता ना, या पक्षी रहा होता, वो नहीं, वर्तमान की बात नहीं कर रही, रहा होता तो मैं उड़ा हुआ होता, तो ये आपके पास्ट इमेजिनेशन की बात करता है, लेकिन ये अभी है वो आपका प्रेजेंट इमेजिनेशन है। जैसे मैं बोलूं, अब इफ आई वर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट यू, तो ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। If I were you के मतलब होता है, यदि मैं आपके जगह पे होता, नहीं कहते हो कभी कभी किसी को बोल देते हो कि आपके जगह पे होता ना तो मैं इतना रन बना देता, आपके जगह होता ना तो उसका धज्जा उड़ा देता, आपके उम्र का होता ना तो मैं बहुत सारा पढ़ता, मैं आपके उम्र का होता तो दिन रात जग करके, ये नहीं, ये मतलब एक से एक इमेजिनेशन वाली बातें करते हो, तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करते हैं। इफ आई वर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट यू, मतलब कि यदि आपके जगह पर होता तो आई वुड नेवर ट्रस्ट यू, मैं उस पर या फिर उन पर कभी विश्वास नहीं करता। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर हुआ होता तो आई वुड, अब देखो ये आपका पास्ट इमेजिनेशन है, यदि मैं डॉक्टर हुआ होता, यदि मैं डॉक्टर हुआ होता तो मैं मदद किया होता। अब आपसे कोई उम्मीद करेगा कि आप मदद, आपको मदद करना चाहिए था, तो आप क्या बोलोगे कि यदि मैं डॉक्टर हुआ होता तो मैं मदद किया होता, मतलब कि आप हो नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं काश हुआ होता तो मैं मदद किया हुआ होता। देखो जैसे कोरोना वायरस का समय है, है भी अभी, और आप ये उम्मीद करते हो कि चलो मैं कुछ मदद कर पाता, या फिर आप सोचते हो कि काश मैं डॉक्टर होता ना तो बहुत मदद करता, बोलो ये आपको इमेजिन है, लेकिन आप मान के सारा चीज हमारा समाप्त हो गया, पास्ट वो हमारा बात चला गया है, उसके लिए तो ये आपके पास्ट इमेजिनेशन की यहाँ पे जो बात है, अभी जब मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा टेंथ उस समय बताऊंगा प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन के बारे में, तो ये आपके पास्ट इमेजिनेशन को एक्सप्लेन करता। तो यहां तक मैं किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक मैं किसी, हाँ अब देखो आगे, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट प्रोबेबिलिटी विश और चॉइस और प्रेफरेंस, तो यहाँ पे भी उसी तरह से है कि आपको पोलाइट रिक्वेस्ट लिए, मतलब ये हाथ जो जोड़, हाथ पे जोड़ने वाला जो काम है उसके लिए, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब ये होता है हाथ पे जोड़ने वाला, संभावना वाला, विश इच्छा वाला, चॉइस चुनना, तो ये सारे आपके हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, तो अब यहां पर देखो क्या ये सेंटेंस हमारा सही है, ये मुझे बताओ पहले, क्या बताओ ये सेंटेंस सही है, ही वुड बी स्लीपिंग, नहीं सर स्लिप्ड होगा, नहीं सर स्लेप्ट, स्लिप एस एल ई पी, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा चुका हूं जहां पर भी आपका मॉडल के बाद क्या आ जाए, मॉडल के बाद आपका बी आ जाए, मॉडल के बाद वर्ब थ्री, इसके बाद हमेशा किसे प्रयोग करेंगे हम लोग, वर्ब थ्री। आई विश इंडिया वुड बिकम या डेवलप कंट्री सून,
आपका इच्छा कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि काश, मतलब आप कामना करो, आई विश, मैं कामना करता हूँ इंडिया, इंडिया में आपका कैपिटल आई होगा, इंडिया वुड बिकम या डेवलप कंट्री सुन, भारत बहुत जल्द ही या बहुत शीघ्र ही एक क्या हो जाएगा, विकास अनविकसित देश हो जाएगा। क्या कैसा देश हो जाएगा, विकसित। तो ये आपके देखो नाउन है, पढ़ाया हूं, डेवलप्ड कंट्री है, कैसा है, डेवलप्ड कंट्री है। इसके बाद है ही वुड रेदर सिंग देन डांस। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वुड रेदर सिंग देन डांस। तो ये दो दो चॉइस है, अब दो दो चॉइस है, तो यहाँ पे क्या है, सिंग का भी और डांस का, लेकिन ये कह क्या रहा है कि मुझे नाचने से अच्छा क्या लगता है, सिंग करना। तो इसका चॉइस है कि मुझे नाचने से ज्यादा बेहतर इसको सिंगिंग अच्छा है, इसलिए क्या करना चाहता है, गाना चाहता है। इसके बाद है यूज वर्ड ऑफ पास्ट फॉर्म विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसका प्रयोग करते हैं, जब आपको मैं नारेशन पढ़ाऊंगा, जिसे डायरेक्ट डायरेक्ट कर रही हूँ, जब नारेशन पढ़ाऊंगा तो उस समय नारेशन बताऊंगा। जैसे यहाँ है ही सेड ही विल गो देयर, तो ही सेड का ही सेड हो जाएगा, कोमा हटता तो यहाँ डैट आ गया, और ये आपका डबल इनवर्टेड कोमा, ही का ही क्योंकि थर्ड पर्सन है, और विल आपका वुड में हो गया, और गो देयर का गो देयर। तो इस प्रकार से आपके इनडायरेक्ट स्पीच में और ये आपका डायरेक्ट स्पीच में, तो ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले आपके साथ हो गए। तो इस तरह से हमारा यहाँ था वुड का प्रयोग। तो यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं सर। चलो अब मस्ट का प्रयोग है, तो मस्ट हमारा थोड़ा लंबा है, अभी हमारे पास समय कम है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और थोड़ा सा बातें करते हैं, और आप सभी को कैमरा ऑन कर सकते हो, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो बहुत नए नए बच्चे जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी कुमारी पहली बार। सर हम रेगुलर क्लास कर रहे हैं। ओ अच्छा, मैं आज पहली बार देखा हूँ इसलिए, चलो अच्छा लगा। रेगुलर कैमरा ऑन कर दो, निकिता काजल गेत्री ज्योति संध्या रवि राखी दिव्या, यार इतना तो कम से कम मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ, कैमरा ऑन तो कर सकते हो। अच्छा ये ऐसा थोड़ी कि मैं दूसरा प्लेनेट से आया हूँ तो घर के बैकग्राउंड जैसा भी हो तो मैं मुझे बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। तो कल तो क्लास नहीं हो पाएंगे, बोल रहे आपको भी रक्षाबंधन का शुभकामनाएं। धन्यवाद। और कल आपके क्लासेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, आप लोग अच्छा से सेलिब्रेट करो, बाकी फिर मिलते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, आप कोशिश करोगे कि ज्यादा ज्यादा जुड़ने को, आज ज्यादा नहीं जुड़ पाए थे, शायद 15-20 के आसपास में, ठीक है। कल ऑफ रहेगा कि परसों भी? हाँ पूछ रहे ना, कल ट्यूशन ट्रिप ऑफ रहेगा कि परसों भी? हाँ मैसेज में अभी मिल जाएगा, देख लेता हूँ कि क्या क्या हमारा थोड़ा सा काम है, तो अभी